जिले के छतरपुर अनुमंडल के ग्राम पंचायत मुरुम डाक निवासी फागुरी यादव की मां महंगी कुंवर के श्राद्ध क्रम में उनकी स्मृति में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यावरण धर्म गुरु और राखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने उक्त मौके पर थाईलैंड प्रजाति का आम का पौधा लगाते हुए श्राद्ध क्रम में आए लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र का शपथ दिलाई। पर्यावरणविद ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में माता पिता का साया हट जाए तो उनके नाम पर फलदार पौधा उनके परिजनों को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को सुखी और स्वस्थ रखने की कामना करते हैं, उसी प्रकार एक वृक्ष उनकी 10 तरह की सेवा करता है। पर्यावरण धर्म गुरु कौशल ने श्राद्ध में आए लोगों को फलदार पौधे का वितरण करते हुए कहा कि पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों में पाला मंत्र के तहत जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को यादगार बनाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाकर उसे बच्चों की तरह बचाना चाहिए। जिस तरह हिंदू संस्कृति में मृत आत्मा की शांति के लिए पिंड पानी देने का विधान है, उसी प्रकार धरती माँ की धड़कती आत्मा की शांति के लिए पौधा लगाकर उसे पानी देना जरूरी है, तभी श्राद्ध कार्य सार्थक होगा। वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल ने कहा कि यज्ञ जन्म और श्राद्ध में लोगों को जो कुछ भी दान पुण्य करना है उसे अवश्य करें, परंतु धरती माँ को भी दान स्वरूप पौधा जरूर समर्पित करें ताकि उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिले। पर्यावरणविद कौशल ने महावीर मंदिर प्रांगण में 100 निःशुल्क फलदार पौधों का ग्रामीणों को वितरण किया। लोगों को अपना धर्म के साथ पर्यावरण धर्म अपनाने पर बल दिया। श्राद्ध में महावीर कुंवर के पुत्र श्री प्रसाद यादव, रघुवीर यादव, राम प्रवेश यादव, कमलेश यादव, उमेश यादव सहित उनके परिजनों में सुनील यादव, बलराम यादव, सोनू यादव के साथ दीपक, धर्मेंद्र, श्री रमेश भुइयां, प्रवेश भुइयां, लक्ष्मण भुइयां, जमुना भुइयां मौजूद थे। मीठी पानी और व्यायाम, मीठी पानी और व्यायाम, मीठी पानी और व्यायाम, जिंदा रहने के आधार, जिंदा रहने के आधार। मेरा मानना है कि वन है तबे हम है, वन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से पौधा लगाए, जन जल जंगल जमीन जानवर पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। जिस प्रकार से इसका पहला जो मूल मंत्र है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए या कोई भी शुभ कार्य पर पौधा लगाए या किसी का अगर श्राद्ध है तो उसमें पौधा लगाए। क्यों? क्योंकि घर में गार्जियन का, माता पिता का, दादा दादी का अगर घर में लोगों से साया अगर हटा तो लोगों के प्रति वृक्षों की छाया अति जरूरी। क्यों? माता पिता स्वस्थ रखते हैं, पोखते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। उसी प्रकार से एक पेड़ भी है वो 10 प्रकार से काम करता है, फल देता है, फूल देता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खाता है, छाया देता है, पत्ता से खाद बनता है, बंजर भूमि को शौर बनाता है और ये जो पौधा जो है हरियाली के बिना खुशहाली कोई कामना नहीं।